अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, कैसे हैं सब लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। आई एम अगेन विद अ न्यू यूनिट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2 और हमारा आज का टॉपिक है MONSTERS, मॉन्स्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स क्या होते हैं? मॉन्स्टर्स हम कहते हैं, आपने अक्सर बहुत सारी मूवीज़ में, कार्टून्स में और स्टोरी बुक्स में मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। मॉन्स्टर्स नेम होता है किसी जिन का, या मतलब मॉन्स्टर्स हम उनको कहते हैं जिन हो गए, दियो या भूत या कोई शैतान हो गया, या कोई ऐसी मखलूक जो हमें थोड़ी अजीबोगरीब हो और जिसको देखकर हमें अनईजी फील हो या हमें उसे देख के डर लगे या खौफ सदा हो जाए, उसको हम मॉन्स्टर्स कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉन्स्टर्स की एक पिक्चर दिखाती हूँ। लुक हेयर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ मॉन्स्टर हेयर। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ मॉन्स्टर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज ऑल्सो अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर्स क्या होते हैं? मॉन्स्टर्स हम इनको जिन भी कहते हैं, इनको हम भूत कह सकते हैं या शैतान या कोई ऐसी मखलूक जो इसे जिसे देखकर हमें अनईजी फील हो, ठीक है, या हम उसको देख के डर जाएं, तो उसको कहते हैं मॉन्स्टर्स। आज हम लोग मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको पता है ना कि जब भी हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स करते हैं और उसके बाद फिर हम उस लेसन की रीडिंग करते हैं। ठीक है, आज हम लोग यूनिट नंबर 2 है ना मॉन्स्टर्स, उसके हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स करेंगे और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसकी रीडिंग और स्टोरी सुनूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, ओके जी, पहला वर्ड है हमारे पास MONSTER, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मीनिंग होता है जिन, MONSTER, मॉन्स्टर, जिन। HELP, हेल्प, हेल्प की मीनिंग होता है मदद करना। जैसे हम लोग किसी की हेल्प अक्सर रूटीन में कर दिया करते हैं, जैसे क्लास के अंदर होते हैं, आपको कोई फ्रेंड या कोई आपका क्लास फेलो जो है वो आपसे अगर कोई पेंसिल मांगता है या वाटर ग्लास ग्लास लेता है पानी पीने के लिए, या अक्सर आप उनके साथ अपनी ना कोई भी जो चीज़ें उनको नीड होती है उसको दे देते हैं, तो उसको हम हेल्प कहते हैं। इसके अलावा घर में भी हम, अगर अपने घर में किसी बड़े को, अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादू को वगैरह को पानी वगैरह देते हैं, या अगर वो कुछ चीज़ हमें कहते हैं कि वो हमें पकड़ा दें या जो कुछ, तो उसको हम हेल्प कहते हैं। हेल्प का मीनिंग होता है मदद करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास HOME, होम। होम क्या होता है? घर होता है। HOME, होम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास TAIL, टेल। और टेल हम कहते हैं दुम को, ठीक है। टेल क्या होती है? दुम। जैसे ये देखें, ये एक मॉन्स्टर है और ये इसकी टेल है, इसको कहते हैं दुम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास WINGS, विंग्स। विंग्स क्या होते हैं? पर होते हैं। बहुत सारे बर्ड्स जो आप रूटीन में देखते हैं उनके विंग्स होते हैं, जैसे कि देखें ये जो मॉन्स्टर है इसके भी ये विंग्स हैं, इनको हम बोलते हैं विंग्स, ठीक है, विंग्स होते हैं पर, WINGS, विंग्स, पर। उसके बाद हमारे पास है DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का मीनिंग होता है पीना। ड्रिंक का मीनिंग होता है पीना। के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है AFRAID, अफ्रेड। अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना, ठीक है, खौफ सदा हो जाना, डर जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास GIVES, गिव्स। GIVES, गिव्स। गिव्स का मतलब होता है देना। गिव्स का मीनिंग होता है देना। और सबसे आखिर में हमारे पास टू वर्ड्स जो आ रहे हैं, वो एक वर्ड हमारा ये है HUNGRY, हंगरी। HUNGRY, हंगरी। और हंगरी होता है भूखा, जिसको भूख लगी हो बहुत ज़ोर की। और सबसे लास्ट वर्ड हमारे पास है SLEEPY, स्लीपी। आपको पता है ना कि SLEEP, स्लीप का मीनिंग होता है सोना, और जब कोई वर्ड स्लीपी यूज़ होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को नींद आ रही होती है तो उसको हम कहते हैं, जैसे जिसे नींद आ रही हो उसको हम स्लीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स।
नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर रिटन वर्क. टेक आउट योर इंग्लिश कॉपीज. Put a margin line first in your English copy and let's start our today's written work. सबसे पहले हम लोग यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे यूनिट नंबर टू. और यहाँ पे यूनिट नंबर टू का टॉपिक लिखेंगे MONSTERS मॉन्स्टर्स. यूनिट नंबर टू मॉन्स्टर्स. लेसन नंबर थ्री. उसके बाद हम इसके पेजेस मेंशन करेंगे. यहाँ पर पेजेस हैं हमारे 10 and 11. उसके बाद हमारे लेसन नंबर थ्री का टॉपिक है द हंग्री मॉन्स्टर. द हंग्री मॉन्स्टर. अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग लिखेंगे. वही डिफ़िकल्ट वर्ड जो भी हमने किए हैं बेटा. नंबर वन HUNGRY हंग्री भूखा. MONSTER मॉन्स्टर जिन या भूत. WINGS विंग्स पर. TAIL टेल दुम. HOME होम घर. AFRAID अफ्रेड. अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना. HELP हेल्प. और हेल्प का मीनिंग होता है मदद. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. नंबर एट इज SLEEPY स्लीपी. सोने वाला या जिसे नींद आ रही हो. इन दोनों में से आप एक मीनिंग भी लिख सकते हैं. GIVES गिव्स देना. DRINK ड्रिंक पीना. ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो कि हम लोग अपनी कॉपी में बहुत केयरफुली करेंगे. ठीक है. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स को ना सिर्फ हमने अपनी कॉपी पे बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना है बल्कि आपने इनको याद भी करना है. ठीक है. तो ये थे हमारा आज का हमारा रिटन क्लास वर्क काम था जो हम कॉपी पे करने जा रहे हैं. अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे बुक के ऊपर. तो टेक आउट योर बुक्स. ओके. यूनिट नंबर टू मॉन्स्टर्स का पेज नंबर ओपन करेंगे 8. यूनिट नंबर टू लेसन नंबर वन लिसन एंड स्पीक. कंप्लीट द डायलॉग्स यूजिंग वर्ड्स इन द बॉक्स. यहाँ पर कुछ फोर वर्ड्स आए हुए हैं. नंबर वन इज़ BOOK बुक. HERE हेयर. PLEASE प्लीज. TAN थैंक. YOU थैंक यू. ये फोर वर्ड्स हैं हमारे पास और हमने इन वर्ड्स को इन बॉक्सेस में लिखकर उनको कंप्लीट करना है. ठीक है. इन डायलॉग्स को सबसे पहले देखें. डैश गिव मी अ डैश. इसमें मॉन्स्टर जो है वो इस बॉय से कुछ मांग रहा है. डैश गिव मी आ डैश. अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे. प्लीज़. जब हमने किसी से कुछ चीज़ लेनी होती है तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं ना. प्लीज़. PLEASE प्लीज़. प्लीज़ का मीनिंग होता है मेहरबानी से. प्लीज़ गिव मी आ. देखिए उससे क्या मांग रहा है. बुक मांग रहा है. तो हम आगे सेकेंड ब्लैंक में लिखेंगे बुक. BOOK बुक. प्लीज़ गिव मी आ बुक. वह उनसे क्या कह रहा है. डैश यू आर. वहाँ पे हम क्या कह रहा है. वो उनसे कह रहा है हेयर यू आर. देन मॉन्स्टर इज सेइंग थैंक यू. तो यहाँ पर हम लिखेंगे थैंक यू. ठीक है. प्लीज़ गिव मी अ बुक. हेयर यू आर थैंक यू. यहाँ पर हमने इस डायलॉग को कंप्लीट किया है इन बॉक्सेस में से इन वर्ड्स को लेकर चूज करके उसको यहाँ पे लेकर. एक्ट आउट दीज वर्ड्स. यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स आए हुए हैं. इनकी मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ANGRY एंग्री. ANGRY एंग्री. एंग्री होता है नाराज. HAPPY हैप्पी. हैप्पी क्या होता है. खुश. जब आपकी कोई विश जब पूरी नहीं होती. आप अपनी मामा से अगर कोई फरमाइश करते हैं वो पूरी ना हो तो आप एंग्री हो जाते हैं नाराज़ हो जाते हैं. उसको कहते हैं एंग्री. और हैप्पी क्या होता है. जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना तो उसको कहते हैं हैप्पी. SAD सैड. सैड का मीनिंग होता है उदास हो जाना परेशान हो जाना. SLEEPY स्लीपी. स्लीपी का मीनिंग होता है सोने वाला हो जाना. जैसे आपको नींद आने वाली होती है तो आप जिस तरह हो जाते हैं ना स्लो से हो जाते हैं उसको कहते हैं स्लीपी.
AFRAID, अफ्रेड। अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना या खौफ ज़दा हो जाना। THIRSTY, थर्स्टी। थर्स्टी का मीनिंग होता है प्यासा, जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, उसको पानी पीने को दिल चाह रहा हो। HUNGRY, हंग्री। हंग्री होता है भूखा, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो। ठीक है, ये थे हमारे एक्शन वर्ड्स, इनकी मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन की है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। कम टू द पेज नंबर 9, यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 2, फोनिक्स एंड वर्ड्स। रीड द वर्ड्स विद द ER एंड Y साउंड, मैच द पिक्चर्स टू द वर्ड्स। यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो फर्स्ट वाली पूरी हमारी लाइन है, उसमें तमाम वर्ड्स को उन्होंने ER के साथ उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। जैसे FLOWER, फ्लावर। MONSTER, मॉन्स्टर। WATER, वाटर। SIST, सिस्टर। BROTHER, ब्रदर। MOTHER, मदर। FATHER, फादर। इन तमाम वर्ड में एंडिंग्स जो हमारी लेटर्स आ रहे हैं वो ER के साथ आ रहे हैं। सेकंड वो है कि हम इनको, इन तमाम वर्ड्स को वाई के साथ, हम एंडिंग लेटर के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि HAPPY, हैप्पी। ANGRY, एंग्री। SLEEPY, स्लीपी। HUNGRY, हंग्री। TADDY, टैडी। MUMMY, मम्मी। DADDY, डैडी। अब हमने इन तमाम ER वर्ड्स और Y वर्ड्स को, जो कि Y और ER के साथ एंड हो रहे हैं एंडिंग साउंड के साथ, उनको हम उनकी पिक्चर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, उनकी पिक्चर्स के साथ। सबसे पहले देखें, ये फ्लावर है, तो यहाँ पर हमें फ्लावर की पिक्चर कहाँ नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है। तो हम फ्लावर को फ्लावर की पिक्चर के साथ इस तरह से मैच करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मॉन्स्टर। ये देखें, ये मॉन्स्टर है, इसको मॉन्स्टर के साथ मैच करेंगे। ये वाटर है, ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे मैच है। सिस्टर, शी इज़ सिस्टर एंड ही इज़ ब्रदर। शी इज़ मदर एंड ही इज़ फादर। इस तरह से आप इनको मैच करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हैप्पी। हैप्पी होते हैं खुश। आप इन पिक्चर्स में देखिए, आपको कौन सी पिक्चर में हैप्पी फेस नज़र आ रहा है, दिस इज़ हैप्पी ना, तो हम इस हैप्पी को इस हैप्पी के साथ मैच कर देंगे। ANGRY, एंग्री। एंग्री देखें ज़रा, ये पिक्चर देखें आप, एंग्री नज़र आ रहा है आपको फेस इसके। देखें, ये फोरहेड के ऊपर बल हैं और ये चीखने की कोशिश कर रहा है, शाउट कर रहा है। तो ही इज़ एंग्री, दिस इज़ एंग्री फेस, तो एंग्री को एंग्री फेस के साथ मैच कर देंगे। ये आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा, ये कराटे ले रहे हैं हज़रत, इनको नींद आ रही है, ये स्लीपी हैं, इनको इसके साथ मैच ऑलरेडी किया हुआ है। HUNGRY, हंग्री। ये देखें इस पिक्चर में, इनकी राल टपक रही है भूख से, तो ये हंग्री फेस है, इसको हम हंग्री के साथ मैच कर लेंगे। TEDDY, टैडी। दिस इज़ टैडी, मैच द वर्ड टैडी विद पिक्चर ऑफ टैडी। मम्मी, दिस इज़ मम्मी एंड दिस इज़ डैडी। ये थी हमारी मैचिंग। कंप्लीट द वर्ड यूजिंग ER और Y। अब यहाँ पर हम लोग खुद इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे ER और Y लेटर्स के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नंबर 1, फिजाज, BROTH, ब्रॉद। डैश इज SLEEP, स्लीप। फिजाज ब्रॉद, ब्रॉद के साथ हम ER लगा के इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रदर। फिजाज ब्रदर इज स्लीपी, SLEEPY, स्लीपी। फिजा का भाई जो है वो नींद से आ रही है, ये वो सोने वाला हो गया है। फिजाज ब्रदर इज स्लीपी। नंबर 2, द MONST, मॉन्स्ट। मॉन्स्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, ER लिखेंगे, तो ये मॉन्स्टर हो जाएगा। द मॉन्स्टर इज ANGRY, क्या आएगा, एंग्री। इसका फेस देखें, एंग्री है ना, तो यहाँ पर हम लगा देंगे Y, तो ये क्या हो जाएगा, एंग्री। द मॉन्स्टर इज एंग्री। नंबर 3, MUMM, डैश। ये क्या आएगा, ये किसकी पिक्चर है, मम्मी की पिक्चर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, ये हो जाएगा MUMMY, मम्मी। मम्मी इज HAPPY, हैप्पी। आपको हैप्पी फेस नज़र आ रहा है, स्माइल कर रही है मम्मी। मम्मी इज़ हैप्पी, मम्मी खुश है। नंबर 4, TADDY, ये कौन है, टैडी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे Y, तो ये टैडी हो जाएगा। TEDDY, टैडी इज़ ड्रिंकिंग। WATER,
E-R, water. Teddy is drinking water. Teddy जो है वो पानी पी रहा है. अब हमने यहाँ पर ई आर और वाई लगा कर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया. आप लोग भी अपनी बुक के ऊपर इसी तरह से इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है. अब मैं आपको देने लगी हूँ होम टास्क. होम टास्क हमारा बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ठीक है. लेबल द पिक्चर्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्सेस, सॉरी इन द बॉक्स. लेबल द पिक्चर्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स. ई ए आर ईयर, एम ओ यू टी एच माउथ, टी ए आई एल टेल, डब्ल्यू आई एन जी विंग, ई वाई ई आई एल ई जी लेग. अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे टू पिक्चर्स हमारे पास आई हुई हैं, एक में कैट है और एक में पैरेट है. तो आपने यहाँ से उसकी पार्ट ऑफ बॉडी के से लेबल करने के लिए उसके रिलेटेड वर्ड उठाना है और उसको वहाँ पर लिख देना है. जैसे कि ये देखें, ये इसका माउथ है ना, तो ये इसको माउथ के साथ लेबलिंग करके यहाँ पर नेम लिख दिया है. इसी तरह पैरेट के साथ भी आप करेंगे. दिस इज़ योर होम टास्क. बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने ये तमाम एक्सरसाइजेज रिवाइज करनी है, इनको लर्न करना है. इसके साथ साथ आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स किए हैं उनके स्पेलिंग्स याद करने हैं और उनकी मीनिंग्स भी याद करने हैं, ठीक है. अब मैं आप लेसन जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, तो मैं आपको खुदाफिज़ बोलने जा रही हूँ. तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम लोग इसकी पिक्चर डिस्कशन भी करेंगे और इसकी रीडिंग भी करेंगे. हैव अ नाइस डे एंड अ गुड बाय एंड अ खुदाफिज़. गुड बाय.